वेलकम टू आपका पाठशाला। तो आज हम लोग प्रश्नावली 7.8 का प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। 5 तो हम बहुत पहले ही बना चुके हैं, तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर जी इसको ही बना दीजिए। ऐसे तो आप भी बना सकते थे, इसमें कुछ है नहीं, इसको सिर्फ अलग अलग करना था, ठीक है, जो कि आप लोग से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तब ने सोचा क्यों ना इसका वीडियो ही बना दे, आप लोग का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आएगा तो लॉन्ग में आएगा, हमेशा लॉन्ग में आया हुआ है और आएगा भी, तो मतलब एक अच्छा मार्क्स के लिए आएगा। बहुत इजी है, बस समझना है आप लोगों को। ठीक है, चलो हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। बुक को हटा लिए, अब यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है ना, इसको आप मान लो, पहले सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है, उसके बाद इसको मानो। आई आई मतलब इंटीग्रेशन, समाकलन। माना आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 4 तक है, और एक्स प्लस, थोड़ा सा अपने माइक को इधर घुमा लेते हैं, ठीक है, एक्स प्लस ई के पावर 2x dx। ठीक है, पेन को भी चेंज कर लेते हैं, पेन भी अच्छा चल नहीं रहा है। इतना हो गया, सबको समझ में आया ना? तो अब देखो, आई बराबर, यहाँ से देखो, ए आई वन इसको मान लो एक्स को, अब प्लस है तो प्लस, और इसको आई टू। कहने का मतलब है कि इसको हम अलग कर लिए, इसको अलग कर लिया, इसको टोटल का हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। कहने का मतलब है कि इसको एक बार अलग इंटीग्रेशन, इसको अलग इंटीग्रेशन, दोनों को ला करके यहाँ रख देंगे, पूरा समाकलन निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं, चूँकि आई वन बराबर यानी फर्स्ट इंटीग्रेशन निकालते हैं। आई वन क्या है, एक्स है ना, एक्स लिमिट तो दोनों के लिए एक ही है, तो 0 से लेकर के 4 तक, और इसमें dx लगा दिया। अब इसको आपको सिंपल हल कर देना है, आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रहे, सिंपल इंटीग्रेशन नहीं करना है, यह जोग की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है, जोग की सीमा का उपयोग करना है। तो जोग का सीमा का फॉर्मूला जानते हैं ना, जब सिर्फ अलजेब्रिक रहता है तो जोग सीमा का सूत्र क्या होता है, सूत्र से सूत्र पहले लिख देते हैं। सूत्र होता है इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी तक, जब एफ एक्स डी एक्स रहे, एफ एक्स डी एक्स रहे, तो उसका फॉर्मूला होता है लिमिट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट सिग्मा आर इजकल टू 1 से लेकर के एन तक एच एफ ए प्लस आर एच होता है। ये होता है फॉर्मूला जोग सीमा का, जब अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पर है तो, ए एक्स एक्स स्क्वायर एक्स की विषय रहे तो, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला पर इसको बैठा देना है, तो हम देखेंगे कि गिवेन क्या है, मतलब दिया क्या है। तो ए के बदले यहाँ देखो, ए के बदले ए का मान 0 है, और बी के बदले बी का मान जो है 4 है, इसको हमने निकाल लिया। और क्या निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से एन एच का मान निकाल सकते हो। अब एन एच क्या है, एन एच देखो क्या होता है, बताते हैं आपको। एन एच होता है अपर माइनस लोअर, तो बी माइनस ए, तो बी का मान 4 है, ए का मान 0 है, एन एच का मान 4 निकल गया। समझ में आया बात है? तो जो हम लोग को निकालना था वो तो हम लोग दिया था, उसको हमने लिख लिया। अब यहाँ से ए भी दिया हुआ है ना, कि एफ एक्स के बदले जो फार्मूला में एफ एक्स है, उसके बदले यहाँ पर क्या दिया, एक्स, तो वहाँ पर एक्स भी लिख लिए। ठीक है, जब एफ एक्स बराबर एक्स है, तो आपको जानते हैं ना, फार्मूला में यहाँ पर यूज हो रहा है ए प्लस आर एच, तो एफ ए प्लस आर एच का ही मान क्या हो जाएगा, ए का मान तो 0 है, ए का मान क्या है, 0 है, तो यहाँ से एफ ए प्लस आर एच, तो यहाँ से ए प्लस आर एच हो गया, और ए का मान 0 और प्लस आर एच, यानी इसका जो वैल्यू है आर एच है कम्प्लीटली। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? अब चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा अब इसको सॉल्व कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लिमिट फार्मूला पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट, ठीक है, एन टेंस टू इन्फिनाइट सिग्मा आर इजकल टू 1 से लेकर के एन तक, और यहाँ से देखो यहाँ एच है, और इस टोटल के बदले क्या है, आर एच है, आर एच ले और एच ले कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर आर, ठीक है, एच स्क्वायर आर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं? चलो लिमिट एंस टेंस टू इन्फिनाइट, अब एच स्क्वायर को हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, कॉन्स्टेंट हो गया, आर को रखते हैं, आर इजकल टू 1 से एन, ये हो गया आर।
अब इसको हम फार्मूला पर तोड़ते हैं, लिमिट एंस टेंस टू इन्फिनाइट एच स्क्वायर, आपको ये फार्मूला पता होगा, सिग्मा आर बराबर वन से एन तक जब एन रहता है तो उसका फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बटा टू, ये होता है ना। यहाँ भी वही सेम चीज़ है, अब आर के बदले यहाँ पर एन है ना, यानी एन तक ही गया हुआ है, तो यहाँ से इसका जो फार्मूला होगा यही वाला होगा, एन इंटू एन प्लस वन बटे टू, ठीक है, क्योंकि आर का जो मान एक से लेकर के एन तक है, यानी अंतिम अंक एन है, तो एन एन प्लस वन बाई टू होता है, फार्मूला आपको पता होगा, क्लास इलेवेंथ में इसे पढ़ा चुके हैं। अब क्या होगा, लिमिट एंस टेंस टू इन्फिनाइट एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, अब यहाँ एन है ना, ठीक है एन, अब एन प्लस वन में भी एन कॉमन लोगे तो यहाँ एन कॉमन तो ले लेते वन हो गया, अब इसमें तो कॉमन नहीं था तो बटे में चल जाएगा एन, क्यों, क्योंकि देखो एक में एन नहीं था तो इसमें एन से गुना किया, एन से भाग किया, एन तो कॉमन ले लिए लेकिन वन बटा एन बच गया। ये तो आपको पता होगा जब आप ट्वेल्व में हो और जोक सीमा बना रहे हो, तो इतना छोटी छोटी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये बातें समझ में आई, यहाँ तक सबको समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो अब क्या करेंगे, ध्यान देना, अब यहाँ पर हम दूसरे पेज में आते हैं, यहाँ ध्यान देना, इसके बाद क्या करते हैं, देखो लिमिट एंस टेंस टू इन्फिनाइट एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एन एच का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर साथ ही कर दिए, वन का मान वन ही रहेगा, वन तो वन ही रहेगा ना, और वन बटा एन, एन का मान क्या है इन्फिनाइट, यहाँ देखो एक बटा एन का मान इन्फिनाइट भरना है ना, तो इन्फिनाइट एक बटा इन्फिनाइट क्या होता है जीरो, ये फॉर्मूला याद रखना, वन बाई इन्फिनाइट जीरो होता है, नहीं पता होगा तब बता देंगे डिटेल में भी, अब बट्टे में क्या है टू, तो टू लिमिट, अब तो लिमिट खत्म हो जाएगा क्योंकि लिमिट का मान भर दिए, एन एच का मान आपने रखा था, देखो एन एच का मान चार लगा हुआ था, चार का स्क्वायर कर देंगे, अरे वन अब बट्टे में टू, चार का सोलह वन बटे टू कटा दो आठ, इसका आंसर आठ आ गया, समझ में आया। अब चलो आई वन का तो मान निकाल दिए, आई टू का मान निकालने चलते हैं, आई टू एक एक्सप्रेस इक्वेशन क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, तो आई टू बराबर क्या है इंटीग्रेशन इसका मान जीरो से लेकर चार तक और ई के पावर टू एक्स है, इसको सिंपल अब हल कर देना है, इसका हल कर देंगे हो जाएगा, ठीक है, आइए इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं, छोड़ेंगे नहीं, तो सबसे पहले यहाँ भी ए का मान जीरो और बी का मान चार, और एन एच का मान तो आपको पता ही है कि बी माइनस ए तो हो जाएगा चार माइनस जीरो चार, जस्ट उसी तरह से, और यहाँ पर एफ एक्स का जो मान है ए वाला है, तो लिखो एफ एक्स का जो मान है वो है ई के पावर टू एक्स, तो जब एफ ए प्लस आर एच होगा तो फार्मूला में आएगा, क्योंकि फार्मूला आपको पता है, फार्मूला लिखवाए भी हैं, तो जब इसका होता है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए प्लस आर एच का फार्मूला, जहाँ जहाँ एक्स था ये होता था, अब यहाँ पर ए का तो मान जीरो है ना, ए का मान जीरो हो जाएगा और ई के पावर टू एक्स है, ई के पावर टू एक्स है, तब यहाँ से क्या होगा मिलाओ, ई के पावर टू तो बाहर हो जाएगा और ए का मान जीरो और आर एच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से इसको हल करेंगे तो क्या होगा ई के पावर टू आर एच हो जाएगा, समझ में आया ना, यहाँ पर हम पुट किए ई के पावर टू आर एच हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर फोर तक, ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया आपका क्वेश्चन है ई के पावर टू एक्स डी एक्स, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो सिग्मा आर इजकल टू वन से लेकर के एन तक, और एच फॉर्मूला होता है और एफ एक्स टोटल कितना आया ई के पावर टू आर एच, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ आप कहेंगे सर यहाँ पर जो अब हम लोग कहाँ इस पेज में कौन सा पेज लिए थे, ये वाला देखो, यहाँ पर एंस टेंस टू इन्फिनाइट ले रहे हैं और यहाँ पर एंस टेंस टू जीरो ले रहे हैं, एंस टेंस टू जीरो क्यों, क्योंकि आगे चल करके यदि हम एंस टेंस टू इन्फिनाइट भी लेते तो आगे हमें एक्सपोनेंशियल वाला है तो आगे इसको एंस टेंस टू जीरो ही करना पड़ता है, इसलिए हम शुरू से ही जीरो कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जब भी ऐसा रहे आप एंस टेंस टू जीरो शुरू से ही लेकर चलो, ठीक है, इतना हो गया कोई दिक्कत नहीं। अब चलो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच है तो एच रहेगा इनटू, अब इसको सॉल्व करना है तो देखो
ई के पावर टू आर एच है, आर एच है जो ऊपर है, नीचे नहीं है, ई के पावर टू आर एच है, एक्सपोनेंशियल है ना। तो देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि शुरू में आपको कैलकुलस में पढ़ाए हुए थे। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा ई के पावर टू एच, ठीक है, प्लस फिर ई के पावर फोर एच प्लस ई के पावर सिक्स एच, ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ई के पावर टू एन एच तक चला जाएगा, ए आर एच तक है ना, ई एन एच तक चला जाएगा, एन एच मतलब अनंत तक जाने वाला है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखो ये जो टर्म दिया है एक जीपी है, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी में जो आप 11th में पढ़े हो। तो यहाँ से ए का मान ई के पावर टू एच है, और यहाँ से सार्वअंतर निकालोगे आर का मान, तो क्या होगा सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो ई के पावर फोर एच बाई ई के पावर टू एच कटा दोगे तो ई के पावर टू एच ही आ जाएगा आर का मान। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब क्या करेंगे, ध्यान देना, आगे इसको सॉल्व करना होगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच का एच, अब यहाँ से देखो ये जीपी में है, इसके लिए एक फार्मूला होता है। जीपी में फार्मूला क्या पढ़े हो, जीपी का फार्मूला होता है ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन बटा आर प्लस वन होता है, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच एच तो एच ही रहेगा, ए का मान क्या है, ए का मान ई के पावर टू एच है, तो भर दो ई के पावर टू एच, आर का मान भी क्या है ई के पावर टू एच ही है ना, ई के पावर टू एच ही है, ई के पावर सॉरी ई के पावर टू एच है, टू एच है कि टू एन एच है, एक बार चेक कर लो, टू एच ही है, टू एन है तो एन है, सॉरी 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 सॉरी, आर का जो मान है, आर का जो मान है, आर का जो मान है ई के पावर टू एच है, टू एच, टू एच, अब पावर में एन लगा है ना, तो पता है क्या हो जाएगा ई के पावर टू एन एच हो जाएगा, ठीक है। देखो जो आर का वैल्यू है वो क्या है, ई के पावर टू एच है, आर का वैल्यू हमने लिखा है यहाँ पर ई के पावर टू एच, और पावर में प्लस एन है तो ई के पावर टू एन एच हो जाएगा। बात को समझ गए ना, ई के पावर टू एन एच है, थोड़ा सा हमसे गलती से लिखा गया है, मिस्टेक से, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, समझ गए बात को ना। अब ये नहीं गलत कमेंट करने लगेगा सर आपको लिखने नहीं आ रहा है, थोड़ा कभी कभी हो जाता है। ई के पावर आर का मान टू एच है ना, टू एच माइनस वन, अब आगे सॉल्व करो। अब क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच का एच, ई के पावर टू एच क्या करेंगे, ई के पावर टू एच ज्यों का त्यों, और ई के पावर यहाँ पर देखो ई के का ई, एन एच का मान क्या है, एन एच का मान आप लोगों ने क्या लाया हो, देखो एन एच का मान चार लाया हो, चार का चार आधु से गुना कर दोगे आठ हो जाएगा, बट इतना यहाँ से ई के पावर टू एच कॉमन ले लो, तो यहाँ से वन, इसमें कुछ नहीं कॉमन, तो वन बटे ई के पावर टू एच हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एच ई के पावर एट माइनस वन अब बटे, इसको हल करो तो वन माइनस ए ऊपर जाएगा तो ई के पावर माइनस टू एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको पता होगा कि ई के पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है वन माइनस एक्स बटा फैक्टोरियल वन प्लस डॉट डॉट इनफिनिटी तक जाता है, उसी तरह ई के पावर माइनस टू एच है, उसके लिए क्या हो जाएगा, जहाँ वन हो रहा है वहाँ पर टू एच हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा एच का मान क्या करेंगे, एच का मान क्या करोगे, ऐसे रखो पहले लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एच टेंस टू जीरो ऊपर ज्यों का त्यों एच इंटू ई के पावर एट माइनस वन बट, इसको फैक्टोरियल में तोड़ोगे तो वन का तो वन, और जब इसको तोड़ोगे ना तो माइनस है, सबसे पहले वन होता है तो वन फिर माइनस, एक्स फैक्टोरियल एक वन है ना, तो फैक्टोरियल वन और एक्स को करेंगे तो ये हो जाता है हमारा वन एक्स, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर माइनस टू एच है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस टू एच हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया टू एच, आप प्लस डॉट डॉट ऐसे ही चलते जाएगा। तो यहाँ से देखो माइनस प्लस खत्म, एच एच खत्म, अब एच का मान तो कोई है नहीं कि रखें हम जीरो, तो रखने की जरूरत है नहीं, तो एच ऐसे ही खत्म हो गया, लिमिट खत्म हो जाएगा क्योंकि एच का मान जीरो भरना होता है, यहाँ पर आगे रखते हैं तो एच का मान जीरो भरने पर वो सब खत्म हो जाता है, ठीक है, यानी यहाँ से लिमिट खत्म, ई के पावर एट माइनस वन बटे टू ये आ गया, बस ये आ गया आई टू के लिए। आप जानते हैं ना समीकरण फर्स्ट से लिखिए, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट क्या है, आई बराबर आई वन प्लस आई टू, तो आई बराबर आई का मान कितना था आठ, और आई टू का मान कितना गया ई के पावर एट माइनस वन बाई टू, इसको इतना पर भी आंसर कर दो, नहीं तो और आगे बढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक एलसीएम लो दो,
और इसको करोगे 8 दूनी 16 प्लस ई के पावर 8 माइनस 1, यानी 15 16 और एक घट जाएगा, तो 15 प्लस ई के पावर 8 बटे में 2। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो कि आई बराबर पहले ई के पावर 8 प्लस 15 बटे 2 आंसर। ठीक है, आंसर मिलाओगे, आओ देख लेते हैं। नहीं दिया है सर, दिया है ये वाला, देखो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। आप लोग का डिमांड था कि सर इस क्वेश्चन को बना दो, और ये क्वेश्चन वही बच्चे समझेंगे जिनको थोड़ा माइंड है। अब ये नहीं कि जिनको पीछे पढ़े नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनको तो समझ में नहीं आएगा, जो लोग मेहनत किए हैं उन्हीं को समझ में भी आया होगा। और जिनको नहीं समझ में आया फिर से शुरू से देखो, कंसेप्ट पढ़ो, तभी समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।